بسم الله الرحمن الرحيم. lecture number 4 irrigation system management. In the previous lecture we have already discussed about the components of irrigation system like watershed, rivers, dams, barrages, headworks, main canals, branch canal, major distributary, minor distributary, water course and field channel. These are the 10 components of irrigation system. तो पानी वाटरशेड से लेकर फील्ड चैनल तक मूव किया इन कंपोनेंट्स में से गुजरता हुआ. तो पानी इसमें मुख्तलिफ किस्म के अदारे हैं जो इसकी मैनेजमेंट को देखते हैं. देयर इज़ अ कंप्लीट मैनेज्ड सिस्टम टू मूव वाटर फ्रॉम वाटरशेड टू फील्ड चैनल. तो वो जो मुख्तलिफ अदारे हैं आज हमने इस लेक्चर में उस मुख्तलिफ अदारों को देखना है. तो हर अदारे के पास मुख्तलिफ किस्म की अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास इख्तियारात हैं और फिर उन इख्तियारात की एक लिमिट है. फिर ऊपर से लेकर नीचे तक पानी जो आता है ऐसे ही इख्तियारात भी ऊपर से नीचे आते हैं. फेडरल लेवल है, फिर प्रोविंशियल लेवल है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल है, फिर उसके बाद जो है वो फॉर्मर लेवल तक ये चीज़ें चलती हैं. तो उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. इधर जो फर्स्ट वन दैट इज़ वापडा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये फेडरल लेवल पर है और इरसा भी इंदस रिवर सिस्टम अथॉरिटी. तो प्रोविंशियल लेवल पर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में है उसमें चार हैं, पिड, सिड, के पी के बिड यानी पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट के पी के और बलोचिस्तान. और प्रोविंशियल लेवल पर फिर जो इरिगेशन एंड ड्रेनेज के डिपार्टमेंट्स हैं वो पंजाब इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी, सिंध इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी, इसी तरह के पी के पी की और बलोचिस्तान की, इसको पिड्डा, सिड्डा, किड्डा और बिड्डा इस तरह से भी इसको बोलते हैं. तो इन सब के अलग अलग से फंक्शंस हैं, ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. तो जितनी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसके हवाले से हमारे पास जो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फिर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और फिर कौमी और बैनुल अक्वामी अदारे इसको भी डील करते हैं. तो सबसे पहले वापडा दैट वाज एग्जीक्यूटेड इन 1958. जो फेडरल लेवल का अदारा है इसमें मुख्तलिफ किस्म के जैसे डैम्स, बराजेस और हेडवर्क्स जितने भी हैं ये उसकी ऑपरेशन, मेंटेनेंस और फंक्शंस को देखता है. तो फ्लड मैनेजमेंट भी इसी के अंडर आती है. और जो बड़े जितने भी फेडरल लेवल के प्रोजेक्ट हैं वो वापडा के अंडर आते हैं. तो 1960s में जब वाटर लैकिंग का प्रॉब्लम था पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर फैसलाबाद में और सराउंडिंग्स में, तो तब ये कुछ प्रोजेक्ट्स थे, सेलिनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, स्कार्प, ये बहुत मशहूर प्रोजेक्ट था 1960 का, सेलिनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट. इसके अलावा पाइप ड्रेनेज सिस्टम था, नेशनल ड्रेनेज प्रोग्राम था, लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन और राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन, ये सारे जो जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे ये वापडा इसको हैंडल कर रहा था, ये वापडा के अंडर सारे चल रहे थे. तो ये फंक्शन है वापडा का. फर्दर जो है फिर 2 अक्टूबर 2007 के अंदर वापडा में से ही एक अदारा निकाला गया जिसका नाम है पेपको, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी. तो वापडा और पेपको को मसलन कामों को आपस में डिवाइड किया गया, जिसमें यह था कि वापडा जो है वो अब देखेगा जो वाटर से बिजली बनती है उसको, और जो पेपको है ये हमारे पास जो थर्मल पावर है उससे जितनी बिजली बनती है उसको देखेगा. ये डिवीजन हो गई थी वापडा और पेपको के दरमियान ताकि काम जो है वो इजीली मैनेज हो सके. तो जितनी भी थर्मल पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और फिर उसकी ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और हमारा जो जितना भी बिलिंग सिस्टम है ये सारे का सारा पेपको डील करता है. वापडा के अंदर फिर बहुत सारे विंग्स हैं जिसके अंदर एक वाटर विंग है.
हमारा चूँकि वाटर से ताल्लुक़ है तो हम इसी को देखेंगे। तो इसके अंदर डिफरेंट किस्म की इरिगेशन और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स जो हैं वाटर लॉगिंग के हवाले से या फिर रिक्लेमेशन ऑफ सेलाइन लैंड के हवाले से, तो ये वापडा के अंदर जो वाटर विंग है वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को देखता है। तो इंदर रिवर सिस्टम अथॉरिटी, ये भी फेडरल लेवल का अदारा है जो कि 1992 में बनाया गया। वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड के बाद, वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड 1991 में ये बनाया गया था, उसके बाद 92 में इरसा बनाया गया। तो ये बुक के अंदर वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड बड़ी डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया गया है, तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं यहाँ से। तो इसके अंदर बेसिकली जो हमारा इंदस रिवर है उसका एक डिस्प्यूट था हमारे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो ये वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड उसको डील करता है कि उसका झगड़ा इसने ख़त्म किया था कि किस तरह से इसका पानी का जो है ना वो शेयर डिवाइड करना है पानी को। और सेकेंडली हमारा पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान के दरमियान जितने भी डिस्प्यूट्स थे ये इसने इस सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व किया था, और इसने फिक्स किया था खरीफ सीज़न के लिए, रबी सीज़न के लिए कितना कितना पानी जो है पंजाब के हिस्से में आएगा, सिंध, KPK में और बलूचिस्तान में मिलियन एकड़ फिट में, और फिर एनुअली कितना होगा, ये इसका जो मेन रोल था। तो आप ये यहाँ बुक इसको मज़ीद डिटेल के साथ स्टडी कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली ये समझने से कम ताल्लुक़ रखता है, रीड करने से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। तो आपने ये सारा खुद से रीड कर सकते हैं, इसके जस्ट मैं ओवरव्यू इसका दूंगा कि किस तरह कौन कौन से अदारे हैं और किस तरह ऊपर से नीचे तक इख्तियारात डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कैसे ये पूरा इरीगेशन सिस्टम जो है इसको मैनेज किया जाता है। तो इरसा जो है फर्दर आगे डैम तक, तो डैम बराजिस तक वापडा डील करता था, आगे फिर जब पानी निकलता है मेन कनाल की तरफ और उसको फिर इरसा डील करता है। और इरसा के फिर पांच मेंबर होते हैं, चार प्रोविंसी से एक एक, और पांचवा जो है फेडरल लेवल का, और ये मॉनिटर करता है, रेगुलेट और डिस्ट्रीब्यूट करता है अवेलेबल वाटर को अमंग द प्रोविंसेस, और टेलीमेट्री सिस्टम के थ्रू इरसा को डाटा पहुंचाया जाता है। टेलीमेट्री सिस्टम मींस के डिफरेंट किस्म के सेंसर्स हैं, डिटेक्टर्स हैं, कम्युनिकेशन पूरा सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके थ्रू इसको इरसा को डाटा सेंड किया जाता है, और इसमें डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस और लेटेस्ट किस्म के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज टेलीमेट्री सिस्टम। फर्दर प्रोविंशियल इरीगेशन डिपार्टमेंट है, इसके अंडर चार अदारे जो काम करते हैं, पंजाब इरीगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी, सिंध इरीगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी, KPK इरीगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी, और बलूचिस्तान इरीगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी, यानी कि पिड्डा, सिड्डा, किड्डा और बिड्डा, ये सारे प्रोविंशियल इरीगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। इसके डिफरेंट जो फंक्शंस हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हेयर। फिर फर्दर पंजाब इरीगेशन डिपार्टमेंट है, तो इसके भी डिफरेंट किस्म की जो ड्यूटीज़ हैं वो यहाँ पर मेंशन हैं, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। और फर्दर प्रोविंशियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये डील करता है ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट। ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट ये ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस है। इस वक्त ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट के अंडर डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे पंजाब इरीगेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट है एक PIP का, तो इसके जिसके अंडर जो वाटर कोर्सेज हैं खाले हैं वो पक्के किए जा रहे हैं, लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज, और फिर इसके अलावा जो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है
स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है। हम आगे जाके फर्दर डिटेल के साथ इन ड्रिप और स्प्रिंकलर को स्टडी करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ये ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट के अंडर चल रहे हैं और प्रोविंशियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसी को डील करता है। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम जितने भी इसके अंडर प्रोजेक्ट्स आते हैं ये सारा प्रोविंशियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको डील करता है। नेक्स्ट पंजाब इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी, ये पिड्डा जो है ये कंट्रोल करता है तमाम रिवर्स को, कैनाल्स को, ड्रेनेज को, फिर अंडरग्राउंड जितना वाटर रिसोर्सेज हैं, स्प्रिंग्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, हिल टोरेंट्स हैं, ये पंजाब के सारे इसके अंदर रहते हैं। इसी तरह सिड्डा जो है वो सिंध का सारा यही कुछ काम करेगा सिंध के अंदर। किड्डा जो के पी के अंदर है वो के पी के का करेगा और बिड्डा बलूचिस्तान वाला जो है वो उसके अंदर करेगा। इसके सारे फंक्शंस ये सारे यहाँ पर दिए गए हैं। ये इरिगेशन विंग और इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट इसके अंदर आता है और जितनी भी मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन है, ऑपरेशन है, फ्लड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये वो भी ये देखता है और इरिगेशन वाटर का इफेक्टिव यूज़ यानी कि लॉसेस कम से कम हों ये भी इसको देखता है। और अगले जो अदारे हैं निचले एरिया वाटर बोर्ड और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ये उनको भी देखता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने मेंबर्स हैं, कौन चेयरमैन है, ये सारा यहाँ पर गिवन है। फर्दर है एरिया वाटर बोर्ड। अब आ जाएं एरिया वाटर बोर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ कैनाल कमांड्स एंड इट्स ब्रांच सिस्टम फ्रॉम बराज टू डिस्ट्रिक्ट हेड ड्रेनेज एंड फ्लड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये यहाँ पर इसका काम है, इसमें अंदर जितनी भी कंस्ट्रक्शन है, ऑपरेशन, मेंटेनेंस है और जितनी भी वाटर की चोरियाँ होती हैं ये उस सब को देखता है। और जो पानी का जो रेट है, अभियाना जिसको बोलते हैं, उसकी असेसमेंट इसके ज़िम्मे है। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और मुख्तलिफ किस्म के डिस्प्यूट्स उसको भी ये देखता है। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर कौन कौन से हैं और कितने कितने हैं, कहाँ कहाँ से, ये सारा यहाँ पर दिया गया है। तो फिर आता है फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, ये फार्मर ने मिलकर खुद से बनाई होती है और ये जितना भी फ्रेश ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल का उसको मेंटेन करता है। और इसके अलावा ये जितना भी वाटर चार्जेस हैं आबियाना ये खुद कलेक्ट करते हैं फार्मर ऑर्गेनाइजेशन और ये ऊपर एरिया वाटर बोर्ड को सबमिट कराते हैं रिपोर्ट। इसी तरह जितने भी निचले लेवल के अदारे हैं ये सारी अपना डाटा कलेक्ट करके ऊपर देते हैं, फिर ऊपर वाले उससे ऊपर, इससे ऊपर, इसी तरह ये नीचे से ऊपर तक सारा सिस्टम यानी कि रिपोर्ट सबमिट होती हैं और इस तरह ये सिस्टम मैनेज होता है। तो जो आबियाना सिस्टम है उसमें जो मेरे पास फिगर है जून 2005 के अंदर जो था वो था रबी सीज़न के लिए 124 रुपये पर हेक्टेयर और खरीफ सीज़न के लिए 210 रुपये पर हेक्टेयर, ये 2005 का रेट है। और इसके अंदर जो अभियाना सिस्टम है इसकी जो असेसमेंट है इसके अंदर पटवारी बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते, ये सारे फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन इसको देखते हैं। और इसका स्ट्रक्चर में कितने मेंबर हैं, कौन प्रेसिडेंट, कौन सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर कौन कौन से हैं, ये सारे ये स्ट्रक्चर इसका गिवन है। और फिर एंड पे खाल पंचायत है। तो इसके डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बुक के अंदर बड़ी डिटेल के साथ ये चीज़ें गिवन हैं, यू कैन स्टडी बाय योरसेल्फ। जैसा कि मैंने बताया कि इस आज के लेक्चर का ताल्लुक समझने से कम और रीड करने से ज़्यादा है। तो अगर आप इस बुक को देखें, आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो इसी हवाले से, तो आप यहां से पहले चैप्टर में इसको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो स्टूडेंट्स विलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका इन चीज़ों से ताल्लुक़ है, वो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझे होंगे क्योंकि उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी शामिल होगा, तो ये चीज़ें उनके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हैं।
तो जो सिटीज़ से हैं वो शायद इतना अच्छे तरीके से ना समझ सकें। ये है इरिगेशन सिस्टम मैनेजमेंट आर्टिकल नंबर 1.7, इसमें देखें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, फेडरल फ्लड कमीशन, प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वापड़ा। और फिर ये ऊपर से नीचे की तरफ सारा सिस्टम जो है वो बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपको किसी किस्म की नॉलेज की ज़रूरत हो, इस हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये न्यू वर्जन है बुक का, मेरे पास ओल्ड वर्जन है। ये तो बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर, लेकिन जो मेरे पास ओल्ड वर्जन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इतना लंबा याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो वो 3-4 पेजेस हैं सिर्फ, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतर है। लेकिन वैसे अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो अपने नॉलेज के लिए, कहीं भी किसी भी जगह पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो यू कैन कंसल्ट दिस न्यू वर्जन। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।